मसले जब सांझे होते हैं फिर इस प्रोग्राम के तहत वॉइस ऑफ एनआरआई सांझे मसले असी तुहाडी खिदमत दे विच लैके आने हैं और हर एतवार को कोशिश होंदी है कि जेडे मसले चल रहे हैं भावें मसले कौमी होन या फिर समाजक होन या फिर सियासी मसले होन, पर इस बार सब तो वड्डा मसला जिहड़ा चल रहा है वह किसानों का संघर्ष चल रहा है। 26 जनवरी बकायदा जी है परेड जी है कढ़ी गई और इस परेड के जोड़ा वाला हुंगारा जोड़ा बकायदा वो किसानों वालों किया गया, पर हुण इत्थे वसदा एनआरआई जिहड़ा वो की सोचता कि आने वाला जिहड़ा फ्यूचर है वह की हो सकता, उस फ्यूचर के विच की कुछ तब्दीलियां आ सकदियां हन, सरकार झुकती है कि नहीं या फिर सरकार इस गल नूं मनदी है कि हाँ वाकई ही किसानों का जिहड़ा संघर्ष है वह तिखा हो चुका है, इहनूं असीं हुण रद्द करना चाहुंदे हां या फिर वो उसी गलते अड़े हुए हैं कि नहीं असी रद्द नहीं अमेंडमेंट करते हैं, पर एनआरआई की सोचता है होना की चाहिए सीगा और हो की रहा है। वरिंदर सिंह जी मेरे नाल मौजूद ने और जब इन्हां दी गल होंदी है तो कम्यूनिटी अपलिफ्टमेंट एम्पावरमेंट की गल हमेशा वरिंदर सिंह होरां तो सुनन नूं मिलती है और हमेशा सिख रिकोगनीशन लई वचनबद्ध होंदे हन न्यूयॉर्क की धरती के उत्ते। वरिंदर सिंह जी सब तो पहला जानना चाहवांगा की लगता तुहानूं एंड ऑफ द डे अगर इस संघर्ष की गल करिए कित्थे जाके खलोंदा है संघर्ष? हाँ जी भाजी सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिहड़ा ये संघर्ष है बेसिकली स्टार्ट तो पंजाब ने किया लेकिन ये ग्लोबल हैगा क्योंकि जिन्ने दुनिया के फार्मर्स ने और जिहड़े कॉर्पोरेशन्स ने उन्हां तो सख्त हो गए, ठीक है जी। सो इस करके लैट्स ये जिहड़ा संघर्ष है कल्ला साडी सिखां दा नहीं हैगा भी कल्ला असी अपनी आइडेंटिटी नूं, लेकिन मैनू इस गल का प्राउड हैगा तो खुशी हैगी भी पंजाब ने दुनिया का सब तो बड़ा संघर्ष जिहड़ा है वो खड़ा करता है क्योंकि जेकर फार्मर्स नू तुसी फार्मर नहीं तो फिर तुसी जिहड़े लोग ने कित्थे जाणगे। हुण पहले हैगी सी ऑयल दी, हुण अजे टेस्ला ने अपनी इलैक्ट्रिक कारां कढ़तियां, हुण अगलियां जिहड़ियां दुनिया के जिहड़े जंग होने ने ऑयल ते नहीं होने, फूड ते होने ने। अंबानी अडानी इन्हां दा बिजनेस की सी भी जियो लियाओ जां दूजी ऑयल कंपनी है, अज क्यों ये लोग जिहड़ियां अपनियां फूड्स ने जां जिहड़े फार्मर्स ने उन्हां ते कंट्रोल करन दी कोशिश कर रहे ने। देखो पंजाब ते हरियाणे की धरती जिहड़ी है वह कोई लैंड एवें नहीं हैगी, अमेरिका दे विच तुसीं फसलां बीजदे हो इत्थे साल दे विच 6 महीने दे विच एक हुंदी है, उत्थे तुसीं दो दो बीजी जांदे हो। सो इस करके ये जिहड़े वर्ल्ड दे वड्डे कारपोरेट्स ने वो जिहड़े फार्मर्स ने उन्हां दे उत्ते अपनी जिहड़ी है हक अपना जिहड़ा कंट्रोल करना चाहुंदे ने। जिहड़ी इंडिया गवर्नमेंट है इहनूं पता है, हुण इहनां ने जिहड़ा जम्मू कश्मीर है उत्थे देखो एप्पल हुंदे ने कई तरह दीआं फसलां हुंदीआं ने उत्थे इन्होंने 370 खत्म करके। ते द थिंग इज दैट एंड ऑफ द डे वरिंदर सिंह जी डेफिनेटली आई वांट टू स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज आई वांट आर यंग जनरेशन टू अंडरस्टैंड हाउ एज एन अमेरिकन हाउ एज एन यू नो लिविंग हेयर इन न्यूयॉर्क वी कैन रीप्रजेंट आर सेल्फ इन टू मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स इन अमेरिकन पॉलिटिक्स सो दैट वी कैन क्रिएट अ इंटरनेशनल प्रेशर बैक देयर इन दिल्ली। ओके so like us let's talk about American politics. The thing is tomorrow we have a protest in front of UNO, okay? So we need to be tell the American peoples. Yesterday I talk about someone and they say like black farmers like same issues here, whites same issues. So we need to be great, we need to be tell the people this is not for Indian farmers, this is not for Sikhs, this is for all. If we save the farmers, we can save the world. So hun vekhna khas hoega ki jehdi hor vi shakshita han is program de tehat ki kuch sanu kehna chahundi han. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਥਕ ਦਰਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ
साजिश जिहड़ी भारतीय हुकूमत वल्लों रची गई आ उस गल दे उत्ते सब तो पहला जे विश्व दे विच कोई प्रोटेस्ट यूएन दे गाड़ी होया ओ यूएन दे अगे न्यूयॉर्क वासियां ने कीता और उस तो बाद दुनिया दे विच जिहड़ी के पंजाब तो सुनामी उठी सी ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਉਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰ ਸਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ उस गल नू भी असी कंडेम करते हैं क्योंकि पंजाब वास्ते और सिखा वास्ते पंजाबीयत वास्ते यह एक काला दिन आ ये कोई सैलीब्रेशन नहीं साढ़े वास्ते 26 जनवरी की जिहड़ी कि भारतीय हुकूमत हर साल मनाउंदी आ उहदा कारण इक आ कि तुसी पंजाब दे किसानां दीआं जिहड़ीआं खुदकुशियां किरती लोकां नू तुसी मजबूर करदे हो गुरु ग्रंथ साहिब दीआं बेहुरमतियां थां पर थां और पंजाब दे नाल जिहड़ा धक्का सन 47 तो लगातार क्योंकि जदों वंड भी होई आ पंजाब दे लकीरां जिहड़ियां सीने ते खिच्चियां गईयां अज उत्थे नाल दी नाल जो नरेंद्र मोदी भारतीय हुकूमत दा जिहड़ा प्राइम मिनिस्टर आ उस बंदे ने जिवें कि कश्मीर दी गल जो 370 धारा खत्म करनी या उस तो बाद जिहड़ा सिटीजन अमेंडमेंट दे नां दे उत्ते या मनी चेंज दे किन्ने ही कानून इन्होंने बनाए आ और उन्होंने वो सारे ही घट गिणतियां मनोरिटी के उत्ते धक्का सी एक बड़ी हकूमत एक हिंदूतवा का जिहड़ा एजेंडा लेके RSS जिहड़ियां हिंदूतवी एजेंडा लेके तुरियां हुई एजेंसियां उन्हां चीज़ां दे विच उन्होंने अज जो भारतीय हुकूमत ने यह गल कही आ कि किसानी जिहड़ियां तुहाडियां मैली अख तुहाडियां जमीनां ते किरती लोगों के जिहड़ियां किरत आ उन्हूं उन्हां दे हत्थों खोण दा कारपोरेट घराणियां नूं होर मजबूत करन दा गरीब लोगों नूं किरती लोगों नूं होर गरीब करन दा जिहड़ा उन्हां दा रवैया आ उस चीज़ के अगेंस्ट पंजाब ने हमेशा ही झंडा चक्किया आ भावें उह अहमद शाह अबदाली आया होवे जकरिया खान आया होवे या किन्ने ही धाड़वी पंजाब उत्ते अंग्रेज़ तो लेके तुरकां ने जो भी काले घराने जिहड़े पंजाब दे नाल उन्होंने हमेशा मैली नज़र रखी आ तो पंजाबीयत ने सिख कौम ने हमेशा ही जिहड़ा चैलेंज दिता आ अज भारतीय हुकूमत का प्राइम मिनिस्टर जो पावर के नशे में अन्ना सी अज उस नूं फिर जिहड़ी पंजाब दे लोकां ने किरती लोकां ने किसानां ने सिख धर्म के जो मरजीवड़े आ जो उन्होंने बंगार पाई आ कि तुसीं ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ ਥੋਪੋਂਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਨਾਮੀ ਉੱਠੀ ਸੀ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੈਰੀਗੇਟ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 11 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਗੜਾ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਥ ਹੋਈਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮਾਈਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰੋ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸ਼ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਔਰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ
वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट वालों एफर्ट किया साढ़े नाल जथेबंदियां गुरद्वारा प्रबंधक कमेटियां सारे रल के असीं यह जिहड़ा एफर्ट कर रहे हैं कि साड़ी स्ट्रोंग जिहड़ी सपोर्ट आ साडे भैण भरावां दे नाल आ असीं तुहाडे नाल स्ट्रोंगली खड़े आ जदों तक भी तुसीं लड़ोंगे माइक तौर पर शरीरक तौर पर हर तरह की असीं तुहाडी सपोर्ट करांगे। मैं ज़्यादा समा ना लैंदा होया साडे नाल साढ़े गुरद्वारा साहब न्यूयॉर्क तो सब तो पुराने गुरद्वारों के एक गुरद्वारा द सिख सेंटर ऑफ न्यूयॉर्क इंक जिन्हां दे प्रधान इस वेले दे त्रिलोचन सिंह भट्टी हैं वह आप जी नूं इस गल उत्ते किसानी मुद्दों के उत्ते और 26 जनवरी जिहड़ा काला दिन आ सिखां दे उपर थोपिया होया भारतीय हुकूमत ने एक साजिश के अधीन तो उहदे उत्ते अपने विचार देणगे। उस तो बाद फिर अगे असीं गल बात जिहड़ी अगे अगे तोरांगे। तो त्रिलोचन सिंह भट्टी वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। जिदा तुसीं सारे भलीभांत जाणदे आ कि जिहड़ा सिख अपने किसान अंदोलन आ वो साढ़े भारत दे विच चल रहा उहदा जिहड़ा मोंढी वो पंजाब अगे हो के तुरिया पंजाब पहली बार नहीं तुरिया पंजाब हमेशा जिन्नियां भी साढ़े लहरां होईयां ने उहनां दा हमेशा उहनां ने मोहरे हो के मोंढी हो के तुरन दे विच नंबर बनते रहे ने। तो ये जो किसानों के नाल धक्का हो रहा ये मोदी जो साढ़े प्राइम मिनिस्टर आ भारत का ये कोपरेट घराणे के हाथों के उत्ते खेल रहा उन्होंने नाल अपने बिच लग गए तो ये किसानों दबाना चाहता उन्होंने दबा के इदा के जाल के फसा चाहता उन्होंने अपने कानून के नाल कि जड़िया उन्होंने जायदादा उन्होंने हड़प किया जाए। पर यह जड़ा पंजाब आ इन्होंने सारे ने बीड़ा चुक के अगे हो के ये गल मेन की असी मरता जावे पर असी अपन जमीनों के जोड़े आए कोपोरेट घराने इन्हों एंटर नहीं हो देंगे क्योंकि ये किसी भी सरकार ने ज किसी भी उत्थे जो पार्टियां चल दिया ने किसी ने भी सहयोग नहीं दिता उन्हें सारे ने इन रल के उन्हें कानूनों पास करने के बद तो बद मदद की आ जिस वेले हूँ सारा रौला पै गया किसान जोड़ा अंदोलन है एक बहुत बड़ा अंदोलन बन के घर परती जे बंदे वह दिल्ली पहुँच गए ने सारे बैरीयर तोड़ के बड़िया मुश्किलों के नाल उत्थे इस वेले एन रड़े मैदान के बिच सड़कों के उपर ट्रालिया के अपना जोड़ा निवास कर चुके ने और उन्होंने ये एक सहुं खाधी है पे असी जोड़े बिल आ ये खत्म करा के पंजाब वापस जावे भावें सानू इतने 6 महीने साल 2 साल भी लगन जिन्ना मर्जी समा लगे ये असी कानून जोड़े आ अपने भारत के बिच ये असी लागू नहीं हो देवे उस चीज़ को मुख रखते हुए बाकी जड़िया स्टेटा ने उन्हां तो भी सारे जिहड़े किसान आ वह भी उठ के आए ने क्योंकि उन्हां नाल भी ज्यादतियां हो रही ने जिहड़ियां पुरानियां स्टेटां दे विच जिहड़े पहला इन्हीं कब्जे किए ने वह बंदे सारी अपनी जिहड़ियां कहानियां दस रहे ने। असी खुद किसान रहे हां असी उन्हां दे नाल तन मन धन दे नाल हमेशा मोंढे दा मोंढा ला के खड़े हाँ और खड़े रहांगे। सानू बड़ा प्राउड आ कि हमेशा जिहड़ी लहर आ वह पंजाब तो चालू हो के वह हमेशा विक्टरी वाले पासे गई आ तो यह भी बिकटरी वाले पासे जाएगी सरकार नूं मूंह दी खाणी पऊगी। वह हुण जो भी हालात ने वो तुसीं देख रहे हैं वह 10-11 मीटिंगां कर चुके ने उन्हां नूं कोई ऐसा नहीं लभ रहा ज जिहदे नाल वह जिहड़ियां कानूनां नूं रद्द कर सकन वह लमका रहे ने वह वेख रहे ने इन्हां दा जिहड़ा ये छड के भज जाण जां इन्हां दे विचों बंदे पाट जाण जां असीं बंदे खरीद लईए क्योंकि ये उन्हां दी एक बहुत वड्डी साजिश आ पहलां तों ही स्पैशल जिहड़ी भारतीय जनता पार्टी आ उन्होंने ये एक बनाई है वो बंदे पाड़ने ते खरीदने उन्होंने एक बहुत बड़ा शतरंज रहा। इस करके असी सारे पूरे वर्ल्ड के जिन्हें भी किसान ने असी उन्हें सारे अगे यही अपील करांगे कि जिहड़ा भी कोई किसान दे नाल किसी भी कंट्री धक्का हुंदा उहदे नाल एकमुट हो के वध तो वध उन्हां दी सहायता मदद करो तां कि इहो जिहा धक्का जिहड़ा किसी भी किरती किसान मजदूर नाल ना हो सके। इहदे नाल सानूं जिहड़ा नुकसान होना ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਮਿਆਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ 10-12 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 70-80 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੜਫਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੂੰਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਕਿਰਤੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਖੜਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ
एक साड़ी अरदास है वो किते जान जिहड़े कॉर्पोरेट घराने इन्हां नूं मूंह दी ब्रेक तो बाद साढ़े सारे दर्शकों का स्वागत है सांझे मसले वॉइस ऑफ एनआरआई के तहत सिख सेंटर ऑफ न्यूयॉर्क की गल करिए इतने क्वींस विलेज और फ्लशिंग विखे जो गुरुद्वारे साहबान हैं उन्होंने मुख्य सेवादार त्रिलोचन सिंह भट्टी मेरे मौजूद हैं और जब गल सिमरजीत सिंह मान होर की पार्टी की आँदी है उन्होंने नुमाइंदगी जी है वो भी बकायदा न्यूयॉर्क की धरती के उत्ते होंगी है नरेंद्र पाल सिंह जी मेरे इतने मौजूद ने और उन्होंने काफ़ी इन्हों के जो साथी ने इस संघर्ष के मोढ़े नाल मोढ़ा ला के जोड़े ने खलोते हुए हैं मेरे नाल कई सारी होर भी शख्सियत हैं उन्होंने भी मैं तुम्हें तारुफ कराऊंगा त्रिलोचन सिंह भट्टी होर गलबात कर लेने भट्टी साहब की लगता है तुम्हें हूँ परेड भी हो गई ट्रैक्टर रैली भी कटी गई की सीटा तुम्हें लगता आने वाले समय कढ़िया जा सकता सरकार नूं कित्थे झुकना चाहिए आके वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। देखो जी सरकार नूं हुण इह आ भई कोई नवां जिहड़ा प्रोग्राम दिता जाऊगा जी वह नहीं मानते तो हो सकता इस संघर्ष नूं होर भी तिखा किया जाए ता कि सरकार दे उपर किस तरह का इस तरह का दबाव पाया जाए जिहदे नाल इह जिहड़ियां अननसैसरी मंगां आ इहनां नूं कंडेम्ड किया जाए इहनां नूं खत्म किया जाए ता कि जिहड़े किसान आ अपने घरों घरी जाण ते अपने जिहड़े आ फार्मां दे विच अपने तरक्की दे तौर पर जो भी अगे मेहनत करदे ने उस तरह करन ते अपने उत्साह दे नाल कार्ज करन ते इत्थे गल कीती जाए नरेंद्र सिंह जी ते सब तो अहम गल हो जाती है कि सानू इत्थे वसदी जिहड़ी पंजाबी कम्यूनिटी है साडी सिख कम्यूनिटी है वह भी उत्थे उन्हां नूं हुंगारा भरे ते तुहाडी पार्टी वल्लों जां तुहाडी ऑर्गनाइजेशन वल्लों की कुछ हुंगारा उत्थे भरिया जा रहा है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। असीं जो श्रोमणी अकाली दल अमृतसर मान पार्टी वाले सब किसान हैं पहले तो बाद पार्टीबाजी बाद की गल है पहले असीं किसानां दा पूरा हमायत करते हैं ये तिने जिहड़े काले कानून इन्हां नूं वापस लैने चाहिए है तो फिर असीं जिहड़े भी किसान आ फिर असीं शांतमई तरीके नाल रह सकते हैं यही है जी बेनती जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी जब गल की जाए श्रोमणी अकाली दल अमृतसर की तो यह कहा जाता है कि काफ़ी सारी उम्मीदा भी सगिया उस पार्टी तो सिमरनजीत सिंह मान होर जिहड़े ने बयान देंदे हुए कितने नज़र नहीं आए की कारण तुहानूं लगता कि उन्होंने बयान सामने नहीं आया। असीं जी किसानां दा मसला किसानी ही रखनी चाहुंदे असीं कोई होर कोई गलबात नहीं किसी ने कोई कहनी चाहुंदे साडा मुद्दा किसानी जरूर ना क्या अगे आनी चाहिए तुहानूं लगता नहीं कि सिमरनजीत सिंह मान होरां नूं भी किसानी नूं लैके अपना एक बयान देना चाहिए सीगा। जरूर देणगे जी वह उन्हां दा ना कि अपना निजी मामला वा असीं पार्टी वल्लों इत्थे असीं खड़े हाँ जी जो किसानां दे हक वास्ते जी ठीक है। सो किसानां दे हक वास्ते श्रोमणी अकाली दल जी अमृतसर है वह भी वचनबद्ध हो रही है उन्होंने नुमाइंदगी इतने नरेंद्र सिंह जी करते हैं वह कहते हैं कि असी जो भी किसानों के लिए बनता अं जरूर इतने करा वाहू जी का खालसा वाहू जी की फतेह कि ना जी थोड़ा पूरा सो साढ़े नाल बकायदा जी लगातार जड़िया इतने ऑर्गनाइजेशन हैं वो यही कहती हुई नज़र आ रही हैं कि भावें मसला किसानों के नाल हो रहा पर उन्हों का दर्द उन्होंने पिंडों के उत्ते जो हंडा रहे हैं वो साढ़े पिंड भी असी इतने हंडा रहे हैं और आने वाले समय के जेकर किसान संघर्ष नूं तिखा करते हैं तो बार वसदा जिहड़ा एनआरआई है वह भी एक गल कह रहा है कि असी भी थोड़े नाल खड़े हाँ असी भी इत्थे संघर्ष तिखा करांगे इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट करना ही एनआरआईज जिहड़े हैं वो इस बार समझ रहे हैं जब तक इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट नहीं होएगा तो आने वाले समय के जिहड़ी कुमकरनी नींद सरकार सुती हुई है हो सकता है कि वो सरकार उस नींद तो उठे और कहे कि हाँ वाकई ही आ किसानों के नाल जिहड़ा धक्का हो रहा और धक्का जिहड़ा एनआरआई इत्थे महसूस करता है और वह मोढ़े नाल मोढ़ा ला के आने वाले समय के भी इस तरीके नाल तैयार बर तैयार रहेगा और खड़ा रहेगा। फिलहाल एक ब्रेक लिए इत्थे रुक रहे हैं ब्रेक तो बाद भी सांझे मसले लगातार साडे नाल जारी रहेगा। ब्रेक तो बाद साढ़े सारे दर्शकों का स्वागत है सांझे मसले वॉइस ऑफ एनआरआई के तहत इस प्रोग्राम की कोशिश होंगी है कि तुहानूं दसण दी कि आखिरकार इस मोर्चे नूं लैके जिहड़े एनआरआई हैं वो की सोचते हैं। कई सारे असी मसले वेखे लेकिन यह मसला खास इस करके हो गया क्योंकि संघर्ष जिहड़ा है वो और तिखा होंदा जा रहा है किसान मनदी नहीं है कि किसान भी नहीं मनते उत्थे सरकार भी नहीं मनती तो लेकिन हुण कित्थे ना कित्थे टेबल टॉक जिहड़ी है कई बार हो चुकी है लेकिन टेबल टॉक तो बाद हुण जिहड़ी है परेड भी हुई किसानों ने अपनी ट्रक रैली भी कढ़ी उस तो बाद हुण की नतीजे होर आने वाले समय के निकल सकते हैं। NIA नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो इंडिया की हैगी है उन्हें लगातार कई सारी ऑर्गनाइजेशनस नूं चिट्ठियां भी भेजी और यह कहा जाता है कि जिहड़े NRI हैं जिहड़े बार वसदा सिख है जिहड़ी बार वसदियां ऑर्गनाइजेशन हैं वो फंडिंग कर दिया हैं उन्हां विच्चों एक अगर तुसीं वेख्या होना हिम्मत सिंह होरां दा भी नाम जिहड़ा उस लिस्ट दे विच आया सीगा वो मेरे नाल इस समय मौजूद ने और उन्हां नूं तो खास जानने की कोशिश करांगे कि हिम्मत सिंह जी किहड़ी फंडिंग तुसीं भेजदे हो कि अज उत्थे ऑर्गनाइजेशनस नूं चिट्ठियां आ गईआं और उस फंडिंग के तहत जिहड़ियां ऑर्गनाइजेशन तुसीं वो कहिंदे हन कि साइलेंट ऑर्गनाइजेशनस हन पंजाब दे विच जिथे तुहाडे वल्लों जिहड़ी है बकायदा फंडिंग भेजी जाती है और उस फंडिंग का जिहड़ा वो
यूज करते हैं वो यूटिलाइजेशन जी हैगी है वह सही तरीके नाल नहीं होंगी वो अत्तवादी गतिविधियां दे विच नूं मनदे हन की कहना चाहोगे तुहाडा भी नां जिहड़ा हैगा उस लिस्ट दे विच हैगा सानू कोई परवाह नहीं हैगी इस तरह के ना जिहड़े आ उह डरावे भारतीय हुकूमत दिंदी आ सो इस तरह के केस जिहड़े आ बहुत वारी पहलां बहुत बंदियां ते पए आ कालियां सूचियां पता नहीं की बनाया तो सूचियां असीं भी बनाईआं उहनां दीआं जिहड़े भारतीय हुकूमत दे अत्तवादी आ वह हैगा सब तो वड्डा नरेंद्र मोदी असी पिछे जे जो 162 गुरद्वारे जिहड़े कि यूएसए और कैनेडा दे उन्होंने एक टैलीकॉन्फ्रेंस कॉल की सी जिहड़ी कि सिख कोआर्डीनेशन कमेटी ईस्ट कोस्ट वालों अरेंज की गई सी जिहदे विच ये मते पाए गए गुरद्वारियां वालों सारे ही गुरद्वारियां वालों लागू किए और पूरे विश्व दे विच उह न्यूज़ गई सी कि जिहड़े भारतीय हुकूमत का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वह सब तो वड्डा टैरोरिस्ट आ और उन्होंने जिहड़े साथी आ जिहदे विच अमित शाह जिहड़ा एच के एल भगत सज्जन कुमार जगदीश टैटलर और जिवें पंजाब दे विच रवनीत बिट्टू समेत सैनी के पी एस गिल वर्गे या जिन्होंने नौजवानों के नाल खून दियां होलियां झूठे पुलिस मुकाबले बनाए वो सब तो वड्डे अत्तवादी आ असी कोई फंडिंग नहीं भेजती बाबे नानक ने जो निर्मल पंथ चलाया सो कुल दुनिया नू लंगर वंडदा बंगला साहब चल जाओ गुरद्वारा साहब दिल्ली दे विच दरबार साहब गुरु रामदास जी का दर उत्ते पता नहीं किन्ने अरबा खरबा लोग जिहड़ा वो लंगर छकदे आ और गुरु दे दर दीआं खुशियां जिहड़ियां प्राप्त करके जांदे आ असी की किसे नू दे सकदे आ सो सानू ये गुरु का चलाया लंगर मर्यादा गुरद्वारे ਇਹ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪ ਨਵਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਜੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟਾਕਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਾਭੇ ਵਰਗੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁੱਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਦੇ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਐੱਨ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਮਕੌਟਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਵੀ ਹਿੱਲ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਸਾਰੇ ਆ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਆ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਸਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਆ ਇਹ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਦੋਂ ਆਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਈਸਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਆਵੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਛੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਜੀ ਆਵੇ ਸੋ ਰਾਜੀ ਜਾਵੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹ ਉੱਤੇ ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੱਥ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ
ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪ ਬਰਿਆਨੀ ਜਾ ਕੇ ਛੱਕ ਕੇ ਆਇਆ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਕੋਲ ਬਗੈਰ ਦੱਸਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਚਰਚੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਵਰਗੇ ਦੀ ਚੈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ 500 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਬਾਲਾਕੋਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਡ ਸੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂ ਆਪ ਹੀ ਗੇਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੈਨਿਕ ਮਰਾਰੇ ਆ ਉਹ ਮਰੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਨੇ ਦੇਖੋ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ ਜੰਮ ਜੰਮ ਕਰੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਸਾਈ ਪਰਚਮ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਤੁਰਕ ਹੋਣ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੇ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਜੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਐਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਖੇ ਬਣਾਓ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆ ਉਹ ਬਣਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਹਗਾ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਭਾਜੜਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜੇ ਬਣਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਣਨਾ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ UN ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹ UN ਦੀ ਧਾਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਆ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਹਜੇ ਨਾ ਲਾਓ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਹਜੇ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਬਕਾਊ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾੜ ਕੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦਿਖਦਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਟੋਟਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ ਆ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੇਕ ਮੀਡੀਆ ਆ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹਨ NRI ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਵਿਦ ਵਿਗਨੇਸ਼ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ